नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों, जब बात करें जरा सरकार की पीपीएफ स्कीम में पैसे निवेश कर कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होगा, आगे मैंने इस पर दोस्तों तो भी सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम मेकिंग गलती जहाँ जाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक सरकार का प्लान है। दोस्तों, वैसे तो पैसा डबल ट्रिपल करने के लिए आज मार्केट में हज़ारों प्लान है, पर उन पर रिस्क रहता है। लेकिन अब आप बिना रिस्क लिए 40 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं, और इस बात की गारंटी भारत सरकार देती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम में आप आज ही अपना अकाउंट खुलवाकर निवेश शुरू कर सकते हैं। आप पीपीएफ में जो भी पैसा निवेश करेंगे उस पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आप अकाउंट मैच्योर होने पर जो फंड बनेगा उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ में हर माह 12,000 रुपये जमा करता है तो 15 साल में उसके पीपीएफ अकाउंट में 39,32,000 रुपये हो जाएंगे। मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.6% इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे दोस्तों, ये कैलकुलेशन पीपीएफ पर मौजूदा इंटरेस्ट रेट 7.6% पर किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट की हर 3 माह में समीक्षा करती है, इसलिए ये रकम थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 15 साल में आपके पैसे 40 लाख के करीब होंगे, ये निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो आप इस स्कीम का लाभ उठाकर 15 सालों में एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको 12,000 रुपये महीने के जमा करवाने होंगे। इस अकाउंट को चालू रखने के लिए न्यूनतम 500 रुपये सालाना, अधिकतम 1,50,000 सालाना जमा करवा सकते हैं। वहीं अगर बच्चे या नाबालिग का अकाउंट है तो सालाना न्यूनतम 100 रुपये जमा कराना ज़रूरी है। अगर आप इस खाते में 1 साल तक न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो आपको प्रति साल के हिसाब से 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी। पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमा की गई रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। इतना ही नहीं, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों ही टैक्स फ्री होती है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ में निवेश करते हैं तो इस पर जमा रकम पर अपने दस्तावेजों में शो करके टैक्स की छूट लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप आज छोटी छोटी बचत करके 15 से 20 सालों में अपनी बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए बड़ी रकम बना सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी सब जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के प्लस इनोशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।